बैलगाड़ी पर खेत में पहुंचे पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार। पिपरी गांव में किसान के घर गुजारी एक रात और पूरा समय बिताया ग्रामवासियों के साथ। किस तरह केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों ने जताया रोष, देखते हैं यह रोचक खबर। कांग्रेस का केंद्र की मोदी सरकार विरोधी जनजागरण शुरू है। इसके तहत आज किसानों का दर्द जानने कांग्रेस नेता व जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार सीधे बैलगाड़ी पर बैठकर एक खेत में पहुंचे। वहां किसानों ने मोदी सरकार पर रोष जता कर बताया कि मोदी सरकार ने हमारा बजट ही बिगाड़ दिया। इस पर कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने कहा कि इसी तरह की नीतियां रही तो स्वयं जनता ही केंद्र के विरोध में खड़ी रहेगी। मौका था धानोरा पिपरी गांव में केंद्र सरकार विरोधी जनजागरण का। केंद्र की अन्यायकारी नीतियां, बढ़ती महंगाई व किसान कामगार विरोधी योजनाओं के बारे में कांग्रेस ने जनजागरण मुहिम छेड़ दी है। इसी मुहिम के तहत कांग्रेस नेता व जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार शनिवार को पिपरी गांव के खेत में पहुंचे। पालक मंत्री को बैलगाड़ी में बैठकर खेत तक पहुंचे देख किसान भी भावुक हो उठे। वडेट्टीवार के पास अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर कई किसान वहां इकट्ठा हुए। यही नहीं, गांव की महिलाएं भी वहां पहुंच गई। उन्होंने अपना बजट ही बिगड़ जाने की जानकारी वडेट्टीवार को दी। आम नागरिकों से लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के प्रति तीव्र रोष व्यक्त किया। सबकी भावनाएं सुनने के बाद कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने कहा, असं म्हणतात की देवळात गेल्याशिवाय देव दिसत नाही आणि गावात गेल्याशिवाय गावाच्या समस्या कळत नाही। तोच उद्देश ठेवून आमच्या ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी आणि राज्य महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने हा उपक्रम जो सुरू केला आहे। लोकपूर्वी खरं आहे की लोकांना कितीही चटके मागायचे बसले तरी बोलत नव्हते। आज गावात आल्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस महिलांना विचारलं त्यांच्या बोलण्यातून त्यांच्या एकूण सांगण्यावरून तो जना त्यांच्या मनातला जो आक्रोश आहे, चीड आहे या सरकारच्या विरुद्ध एक आंदोलनात्मक भूमिका उद्या जर स्वीकारली तर त्याला स्वतंत्र स्वतः त्यामध्ये येण्याची त्यांची तयारी आहे। एकूणच पाहिलं तर महिलांनी विविध प्रश्ना विविध विषयावर, मग ते कोणी महिलांनी डिझेलवर बोलले, कोणी पेट्रोलवर बोलले, कोणी गावड्या खाण्याच्या तेलावर, गॅस सिलेंडरवर, संपूर्ण आमचा कुटुंबाचा बजेट बिघडवण्याचं काम या सरकारने केलं आहे। ती भावना या सर्व महिलांनी या गावामध्ये, पिपरी गावामध्ये आल्यानंतर बोलून दाखवली। आता यावरून एक स्पष्ट होत आहे की गावागावामध्ये या सरकारच्या विरुद्ध प्रचंड रोष आणि चीड आणि उद्रेक आता दिसतो आहे। त्यातून हे सरकार घालवल्याशिवाय हा आमचा ग्रामीण देशातील ग्रामीण निश्चित शांत बसणार नाही, ते यांच्या बोलण्यातून आता दिसत आहे। काँग्रेस नेता वडेट्टीवार ने किसानों से न केवल सहानुभूती के लिए चर्चा की बल्कि अपनत्व की भावना से किसान के घर मुकाम भी कर दिया। परिसर में मंत्री महोदय की इस अपनेपन व स्नेह की चर्चा चल रही है।